हेलो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं आलू के पकौड़े। मैंने 4 आलू ले लिए हैं और इनको गोल स्लाइस तरह मैंने काट लिए हैं। आप देख सकते हो मेरे सारे आलू ये मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं इन्हें साफ़ पानी से धुल लूँगी। और मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है और इसमें 4 चम्मच मैंने चावल का आटा डाल दिया है। और मैंने इसमें पिसी हुई मिर्च डाल दी आधा चम्मच, और आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, और मैंने इसमें 1 टी स्पून मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है, और इसमें आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, और बारीक काट के धनिया, और ये गरम मसाला। अब मैं इनको अच्छे से मैं इसे घोल तैयार कर लूँगी। इसका घोल ज़्यादा पतला नहीं करें। एकदम अच्छे से बन गया है गाढ़ा गाढ़ा। अब मैं इनके लिए सारे आलू के जो चिप्स आकार के मैंने काटे हैं ना, उसको मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं कढ़ाई में तेल मैंने लगा लिया है, और मैं एक एक करके इसको डिप करके और इसमें डालती रहूंगी। देखिए हमारे तैयार हो गए ना फूले फूले पकौड़े। और पकौड़े किसको पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके हरी धनिया की चटनी के साथ में और इसमें सॉस के साथ में भी बहुत पसंद आते हैं। और अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब।